बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़, यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वीडियो जारी चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं ज़िंक एटोडी सिरप के बारे में, जानते हैं इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या यूज़ है, इसके अलावा इसके डोजेज के बारे में जानते हैं और कौन से फार्मूले में इसको तैयार किया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे और क्या प्राइस है इसकी, कौन से कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये एक एलिमेंटल जिंक सिरप है जो कि हमारे बॉडी में जिंक की कमी को पूरा करता है। जिंक की वजह से बहुत से ऐसे डिजीज़ है जो वायरल डिजीज़ है, जैसे डायरिया वगैरह, अक्यूट डायरिया, इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया और बहुत से डायरिया की कंडीशंस हैं जिनमें हमें जिंक की अशद ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी में जिंक को पूरा करता है। तो इस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस को ख़त्म करने में जिंक काफ़ी हद तक काम देती है। तो दोस्तों जिंकेट सिरप आप किसी किस्म के डायरिया में बच्चों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई डायरिया, जैसे कि क्रोनिक डायरिया होता है, इन्फेक्टिव डायरिया जो इन्फेक्शन पैदा करता है मैदे में या आंतों में ज़ख़म बन जाता है, तो इस कंडीशन में आप जिंक एटोडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतों के और मैदे के ज़ख़म के लिए एक बेहतरीन एलिमेंट सिरप है जिंक, जो को डायरिया को ख़त्म करने में ये काम देता है। तो दोस्तों जिंक एटोडी आप किन बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं इनके बारे में बात करते हैं, किस एज में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जिंक एलिमेंट है इसलिए पहले तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं, इसमें जिंक कितने मकदार में शामिल किया गया है, इसके अलावा मोनोहाइड्रेट इसमें कितने मकदार में है। तो दोस्तों इसमें जो है मोनोहाइड्रेट 20 mg शामिल किया गया है, जो कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट कहलाता है, कि 20 mg इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अलावा जिंक हमारे बॉडी में और बहुत से काम करता है ग्रोथ वगैरह के, ऐसे बहुत से कंडीशंस होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं तो ये तकरीबन छोटे बच्चों में इसे यूज़ किया जाता है। अलबत्त अगर छोटे बच्चों के लिए आप इसे इस्तेमाल करें तो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके उसके बाद इसे यूज़ करें। अलबत्त 1 साल से 6 साल के बच्चों के लिए आप 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, या 6 से 12 साल के बच्चों में 2-2 चम्मच सुबह शाम इसे यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये छोटी उम्र के बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके लिए ये करना है आपको कि डॉक्टर से मशवरा करना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। अलबत्त अगर आप 6 महीने से 1 साल के बच्चों में यूज़ करें तो 1/2 चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी डोजेज थी जो हमने आपको बताई। तो ये एटको फार्मा वालों ने तैयार किया है जिंक एटोडी सिरप, एटको फार्मा वालों ने तैयार किया है जो कि एक बेहतरीन फार्मा है। तो इसके प्राइस की जानकारी चलते हैं तो देखते हैं इसकी क्या प्राइस है। तो दोस्तों ये तकरीबन 80 rupees की इसकी सिरप है जो कि 60 ml में तैयार किया गया है। और ये तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, किसी भी फार्मेसी से आप इसे ख़रीद कर यूज़ कर सकते हैं, हर किस्म के डायरिया में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दस्त जो पैचेस होते हैं इस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक जो डायरिया होता है वो पैचेस हो सकता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी मरतबा अक्यूट डायरिया जो होता है बच्चों में, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हर किस्म के डायरिया में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के और बड़ों के लिए ये बेहतरीन है। बड़े एज से मुराद 6 साल से 12 साल के बच्चे या उससे बड़े, उनमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन रिजल्टेंट सिरप है। तो दोस्तों इसमें कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अलबत्त ओवर डोजेज की वजह से चंद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किसी किस्म का कोई एलर्जी नहीं हो सकता इसमें। अलबत्त ओवर डोजेज की वजह से आपको नोज़िया या गले का खुश्क होना या इसके अलावा सर में चक्कर या सर में शरीर दर्द हो सकता है, इसलिए कोशिश करें इसकी डोजेज आप बिल्कुल बराबर रखें, डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए।
हम ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाते हैं, इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी जिंक किट ओडी, जो कि एक बेहतरीन जिंक सिरप है, हमारे बॉडी में जिंक की कमी को बराबर करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।